दीपावली त्योहार के मद्देनजर हल्द्वानी शहर में अग्निशमन विभाग की तैयारियों को लेकर एसपी सिटी ने आज विभाग के फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सीएफओ के साथ सभी फायर हाइड्रेंट को चलवाकर देखा। इसी दौरान एसपी सिटी ने बताया कि दीपावली त्योहार में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। शहर में लगे फायर हाइड्रेंट की चेकिंग की गई है और अभी तक सभी फायर हाइड्रेंट सही पाए गए हैं। इसके साथ ही शहर के 14 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, साथ ही फायर ब्रिगेड के स्टाफ को भी 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे शहर में 14 फायर हाइड्रेंट हैं जिनकी आज अकस्मात चेकिंग की गई। सीएफओ साहब फायर के हैं वो भी साथ में हैं। अभी दो फायर हाइड्रेंट चेक किया हमने, उनमें पानी आया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसको भी खोल के चेक किया गया और सही पाया। त्यौहार के मध्य फायर विभाग भी किस तरह से पूरा अलर्ट है? फायर विभाग इसमें अलर्ट है, यही चेक करने के लिए ये ड्रिल की गई है कि समय पर अगर ज़रूरत पड़े तो क्या उससे पानी आता है कि नहीं आता है, और ये ड्रिल निरंतर जारी रहेगी और विशेषकर त्यौहारी सीजन को दृष्टि में। गाड़ियाँ भी पूरी तरीके से तैनात है फायर? हाँ, फायर की गाड़ियाँ भी तैनात हैं। उस दिन दिवाली के दिन भी लगातार मूवमेंट पर भी रहेंगे, स्टैटिक भी रहेंगे।